मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के पहले चरण के तहत हमारी बातचीत होगी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले कुछ दिनों के अंतर्गत ये उनका सीधे तौर पर कहें इस महीने का तीसरा दौरा था। इससे पहले वह रायगढ़ आए थे, रायगढ़ के बाद बिलासपुर आए थे और बिलासपुर के बाद आज बस्तर में थे। हालांकि उससे पहले वह प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी एक महा रैली को संबोधित कर चुके थे। तय था जब वह चुनाव आचार संहिता के कुछ दिन पहले दनादन दौरे कर रहे हैं तो सियासी तौर पर इन दौरों का महत्व रहना ही है। भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए प्रयत्नशील है, उसे नरेंद्र मोदी जी के दौरों से बड़ी उम्मीदें रहती हैं। तो नरेंद्र मोदी भी कोशिश करते हैं कि वो निराश ना करें। वो आज आए तो सबसे पहले तो उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण किया। जिस प्लांट के लोकार्पण के दौरान ही कांग्रेस के द्वारा बस्तर बंद का आह्वान किया गया था, यह कहते हुए कि इसका निजीकरण करने की उम्मीद है, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मैं इस प्लांट के संदर्भ में मानता हूं कि बस्तर वासियों का ही इस पर हक है। और दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं किसी कांग्रेस के नेता को यह प्लांट नहीं लेने दूंगा। पर हमारी बातचीत के केंद्र में उनका नगरनार स्टील प्लांट को कहा गया बयान नहीं है। हमारी बातचीत के केंद्र में वह विषय है जो छत्तीसगढ़ की सियासत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो है धान खरीदी। तो धान को लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने आज दावा किया। वह पहले भी बोलते रहे लेकिन आज बड़ा खुलकर बोले और सीधे तौर पर वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहे कि धान तो हम खरीदते हैं, केंद्र सरकार ने जिस कदर बेहिसाब पैसा पिछले दिनों में दिया है वह हमारे द्वारा धान खरीदी के लिए तो दिया गया है। तो धान खरीदी के संदर्भ में उन्होंने जिस प्रकार का दावा किया है वही हमारा विषय है, तेरा धान मेरा धान। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान सरकार में संसदीय सचिव का दायित्व निभा रहे शिशुपाल सोरी जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शिशुपाल सोरी जी से करेंगे लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री जी के बयान का वो हिस्सा देखेंगे जो इस कार्यक्रम की बुनियाद है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं। आपको धान की कीमतों के नाम पर धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है। सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ के धान किसानों का दाना दाना याद रखेंगे, मैं जो कह याद रखेंगे कि भूल जाएंगे, गांव गांव जाके बताएंगे। छत्तीसगढ़ के धान किसानों का दाना दाना केंद्र सरकार खरीदती है, मोदी सरकार खरीदती है। भाजपा सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के धान किसानों को दिए हैं। यहां पर जब भाजपा सरकार बनेगी तो धान किसानों का पूरा पूरा ध्यान रखने की गारंटी, ये मोदी की गारंटी है। तो मोदी जी का कहना है धान का दाना दाना केंद्र सरकार खरीदती है। और शिशुपाल सोरी जी आप तो यही बताते हो कि धान तो आप ही खरीदते हैं। अब प्रधानमंत्री के दावे के बाद क्या कहना है आपका? प्रधानमंत्री जी, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं जी, पर वो ऐसी बातें कहेंगे जो किसी के गले नहीं उतरेगी जी। ये समस्या परे है। धान की खरीदी वस्तुतः राज्य सरकारें करती हैं जी, और उसके बाद जब चावल जो केंद्र सरकार कोटा निर्धारित करती है उस कोटे के अनुरूप ये चावल राज्य सरकारें उनको देती हैं, और जो चावल खरीदती है केंद्र सरकार उसके पैसे वो देती है जी। तो एक तरह से ये जो संव्यवहार होता है राज्य और केंद्र के बीच का जी, एक व्यापारिक संव्यवहार है। हमसे आपने चावल लिया, चावल के पैसे आप हमको दे रहे हैं जी। धान जब खरीदते हैं तो उसमें बहुत से जोखिम भी रहता है, धान का एक सुखद का जो आता है वो भी राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है, अकारण बारिश या कुछ इस तरह के कुछ और भी होते हैं वो भी जोखिम रहता है। ये सारे जोखिम को राज्य सरकारें अपने ढंग से करती हैं। दूसरा ये है कि इनके जो कोटा होता है जी, वो पूरे धान के अनुरूप होना चाहिए
जैसे हम इस साल का टारगेट है 1,25,000 मीट्रिक टन का, तो उसके एवज में जो चावल बनता वो उनको खरीद उतना कोटा भी होना चाहिए था, उसमें खरीदने का एक गारंटी भी देने की। अभी जो वेंटी मैं सुन रहा था, तो गारंटी तो उनका पहले 81 मीट्रिक टन चावल का था जी। अब 81 या 86 का था जो भी है ये, पर अभी उन्होंने 61 का कर दिया है, 61 मीट्रिक टन चावल हम खरीदेंगे जी। तो चावल और धान का एक लिंक तो है जी, किंतु खरीदी प्रक्रिया कौन करेगा इसका एक स्पष्ट नीति पहले भी था, आज भी है, और राज्य सरकारें अपने निवासरत किसानों को लाभ देने के लिए ये जितने भी धान आता है उसका कस्टम मिलिंग कराने के बाद उसका डिस्पोजल अपने ढंग से करते हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार है वो अपने कोटे के अनुरूप ही लेता है जी। अब हम हमारे यहाँ जो चावल है, जो अतिरिक्त चावल बचेगा उसका निपटान हम अपने ढंग से उसको करेंगे, उसे अपने ढंग से करें। शिवपाल जी कह रहे हैं कि ये तो व्यापारिक संबंध है, इसमें क्लेम करने की क्या बात है। तो प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ हैं, छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री भी रहे हैं और भी कई विभागों के मंत्री रहे हैं। ये अचानक क्या हो गया पांडे जी? आप लोग आजकल लगातार बता रहे हो धान खरीदी का पैसा तो हम देते हैं, हम देते हैं, हम देते हैं। कैसे देते हैं, कितना देते हैं? जो शिशुपाल जी ने बोला जी बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि अगर हम चावल नहीं खरीदे इनसे जी, ये धान का पैसा कहां से देंगे जी? स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो FCI की एजेंसी रहती है जी, टैक्स बढ़ा है वो भी हमारे ऊपर ही आता है, मतलब FCI के चावल का जी। तो चावल जो खरीदने का है वो हम लगातार जो इनका कोटा है, जितनी इनकी जरूरतें हैं जी, पिछले समय जितनी जरूरत थी, पिछले समय 62 इसका कोटा था, और मुझको लगता है अभी जो आए थे मंत्री जी बोले कि मात्र 59 लाख टन ही दे पाए हैं, जो 2.5 लाख टन जो है चावल इनका जमा ही नहीं हुआ जो कोटा था। तो भाई चावल का आप हमसे जितना लेते हैं पैसा जी, चावल बनाने की प्रक्रिया में, और उसी का वो धान खरीदते हैं, बचा हुआ जो है वो PDS का है, तो लगभग 82% जो धान है जी, वो हमारे ही द्वारा खरीदा जाता है जी। इस बार भी हमारा जो लक्ष्य है वो 82 लाख टन का है, जो लगभग 125-30 लाख टन चावल के आसपास बढ़ेगा जी। तो ये बहुत क्लियर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चावल नहीं खरीदेगी जी, तो आप उस धान का क्या करोगे जी? तो इसलिए कि धान हम ही खरीदते हैं इनडायरेक्ट में, ये सिस्टम ही है भाई। धान आप खरीदते वो तो ठीक है, पर यहाँ पर सियासत में धान खरीदी का पैसा कौन देता है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण धान पर बोनस का मसला रहता है। बड़े लंबे समय तक आपकी जय जयकार रही, क्योंकि धान खरीदी पर 300 रुपए का बोनस रमन सरकार के दौर में आपके द्वारा दिया जाता था, और उस बोनस के संदर्भ में चुप्पी रह जाती है पांडे जी, और वर्तमान सरकार जो है दूसरे रास्ते से पैसे दे रही है, इस पर कोई दृष्टि है क्या? आपको लगता है कि जनता के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि जो 2100-2200 रुपये मिल रहा है वो दरअसल मोदी सरकार की बदौलत मिल रहा है? क्या ये बात आपको चुनावी दृष्टि से फायदा दे जाएगी, कांग्रेस को नुकसान कर जाएगी? नहीं नहीं, नुकसान और फायदे का सवाल नहीं है जी, सवाल इस बात का है कि आज लगभग 2200 रुपया MSP हमारा है जी, और जिस ये कथित रूप से बोनस जो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दे रहे हैं जी, जब इन्होंने 2019 में शुरू किया था तब MSP और 2500 में लगभग 750 रुपये का अंतर था जी। आज अगर 2200 और 750 तो आज 2950 मिलना चाहिए जी, तो ये आज भी लगभग 2600 जो दिए हैं तो 300 से ज्यादा राशि जो है 300 के आसपास इन्होंने किसानों को जो वाजिब हक होना चाहिए जी
वो इन्होंने नहीं दिया जो इन्होंने कहा था जी। तो जो हमारी एमएसपी पिछले चार सालों में लगातार बढ़ी है उसके समानुपातिक बढ़ाया नहीं इन्होंने, एमएसपी के समानुपातिक नहीं बढ़ाया। इस बात को प्रेम प्रकाश पांडे जी रेज कर रहे हैं। मैं शिशुपाल जी वापस आपके पास आता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पिछले चार छह महीने से ही आना शुरू हुए हैं और धीरे धीरे काफी मुखरता लेते जा रहे हैं। ये धान खरीदी का एक बड़ा हिस्सा तो केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। चावल छत्तीसगढ़ की सियासत का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्या आपको लगता है शिशुपाल सूरी जी, ये प्रधानमंत्री के स्तर पर इस बात को लगातार कहा जाना सियासी दृष्टि से आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकता है? ये सियासी फायदे के लिए भी कह रहे हैं, ये जो बात सबको मालूम है। और जो चावल है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ की समृद्धि में, यहाँ के लोगों के खुशहाली में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ये किसी से छिपी नहीं है जी। अब धान का जो, क्योंकि चावल बनता है धान से जी, धान का जो एमएसपी तय करने के अधिकार ये केंद्र सरकार को है। अगर किसानों की इतनी चिंता है तो एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाती? ये बुंद बुंद करके हर साल 50-100 रुपया बढ़ा के ये किसानों के साथ क्यों मजाक करती है, जब उनका एक वादा था कि हम किसानों की आय दुगुने करेंगे। और स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी कहेंगे कि जो लागत है और उनके जो जमीन का जो आएगा, उनका जो रेंट और ये उनके जो पूरी इनपुट और ये लेबर, ये सब कास्ट का खर्चा काटने के बाद भी उनको हम उनका 1.5 गुना लाभ हम देंगे, तो ये तो एक मजाक है। अब हम अब दे रहे हैं तो हम क्योंकि हम इनका एमएसपी नहीं दे सकते, पर एक राजीव गांधी कृषक न्याय योजना के तहत हम उनको इनपुट सब्सिडी के नाम से। शिवपाल जी एक बात बताइए, दोनों ही राजनीतिक दल ये दावा करते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, उनके पसीने का सम्मान करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए हर योजना हर कार्यक्रम बनाते हैं, तो फिर जाके सीलिंग क्यों लगाते हैं? प्रति एकड़ 15 क्विंटल खरीदेंगे, अब मौका दे दिया तो प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदेंगे। भाई किसान अपने धान को प्रति एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा उगाए और उसकी खरीदी सुनिश्चित हो, इसके स्थान पर भाई आप 20 क्विंटल से ज़्यादा मत उठा लेना, क्योंकि अगर आपने इससे ज़्यादा उगाया तो हम तो लेंगे नहीं। तो दोनों बातें कैसे हो सकती है शिशुपाल जी, थोड़ा आप समझे ना, आप तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, नेता से इतर एक प्रशासनिक अधिकारी की दृष्टि से थोड़ा मुझे समझाइए, ये सीलिंग किस लिए, ये कैपिंग किस लिए? किसान को प्रोत्साहित करना है या हतोत्साहित करना है आप लोगों को, आप लोगों का आशय, दोनों राजनीतिक दल? प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, पर जो वर्तमान में जो हमारे यहाँ की उत्पादकता है जी वो लगभग उतनी है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं है कि हर जगह 20 क्विंटल धान पैदा होता है प्रति एकड़ जी। जैसे हमारे बस्तर जैसी जगह है, एक विराट उनका एक कृषि एरिया है, पर वहाँ की जो उत्पादक क्षमता है कम है जी। कहीं 15 क्विंटल है, कहीं 10 क्विंटल है, इस तरह का। तो पूरे स्टेट के अगर परिपेक्ष में देखें तो वो उतना ही आता है। कोई भी योजना बनाने से पहले एक एवरेज कहीं का भी अगर धान के इसलिए थोड़ी एवरेज लिया गया, कुल मिलाकर समझ में आया कि वोटों की दृष्टि से धान का मामला बड़ा अच्छा है, लेकिन बाद में खजाने पे बोझ बहुत पड़ता है, इसलिए पहले तो कोई सीलिंग नहीं थी, जितना धान आप लेकर आओ अपने खेत से उतना धान सरकार खरीदती थी। फिर एक कैपिंग लाए 15 क्विंटल वाली भारतीय जनता पार्टी के दौर में, आपको भी बहुत भाई, आप भी 5 साल तक बनाए रहे, अब अगली बार आना है तो कुछ तो नया देना है, तो 20 क्विंटल की बात कह दी, क्या कहते हैं शिशुपाल जी? नहीं हमने राजनीतिक दृष्टि से नहीं कहा, हमने जो ओवरऑल जो किया, क्योंकि कहीं भी हम जब योजना बनाते हैं तो उसमें एक संभावित देखते हैं कि वो कितनी रहेगी, चावल कितना आएगा, कितना होगा, उसमें उसके हिसाब से हमको पैसे के भी अरेंजमेंट करने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सारे काम एक प्लान के तहत होता है, और प्लानिंग जब होती है रखी जाती है कि इस वर्ष फसल की स्थिति क्या है, कितनी फसल आने का अनुमान है, और बढ़ते हुए क्रम में जैसे पिछले बार हम लोगों ने
1,07,000 के लगभग धान का खरीदी की है, इस बार 1,25,000। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही होगा, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है किसान थोड़ा कम मात्रा में बेचे। तो ये एक एवरेज लेना पड़ता है, ये किसी भी योजना के लिए इस तरह की एवरेज लेना पड़ता है। शिशुपाल जी ये समझा रहे हैं, पर शायद प्रेम प्रकाश जी और बेहतर समझा पाए। क्यों प्रेम प्रकाश जी? भाई मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी का होना दाने दाने के खरीद की गारंटी है। तो क्या माने कि छत्तीसगढ़ की धरती पर किसान जितना भी धान उगाएगा, अगर आपको अवसर मिलेगा तो एक एक दाना खरीदा जाएगा, या फिर से वो सीलिंग वाला मामला रहेगा, भाई 15 क्विंटल खरीदेंगे, 17 खरीदेंगे, 20 क्विंटल खरीदेंगे। अब अगर उसने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से, नवाचार से 22 क्विंटल 25 क्विंटल प्रति एकड़ अगर उगा लिया, गुना कर दिया, सरकार को तो प्रोत्साहित करना चाहिए अधिक से अधिक उत्पादन हो। नहीं सही है ये, पहली बात जो उन्होंने कही तो वो भी है। आप देखोगे तो धान खरीदी का क्रमशः बढ़ते गया जी, हमारी सरकारों में बढ़ा और इनके और बढ़ते बढ़ते आ गया जी। ये तमाम बढ़ने के बावजूद भी आज आप देखेंगे तो लगभग 42-43 लाख के आसपास खातेदार है जी, और अभी भी 23-24 लाख ही किसान रजिस्टर्ड हो पाए जी। तो लगभग अभी भी 20 लाख किसान ऐसे हैं जो अपना धान नहीं बेचते जी, ये भी एक बड़ा आंकड़ा है जी। तो इसलिए भाजपा ने तो बिल्कुल ये मतलब अब उसमें कोई कैप नहीं रहेगा, कोई सीलिंग नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी प्रदेश में धान खरीदा जाएगा, जितना उसका आउटपुट होगा चावल में, वो पूरा चावल के जरिए हम देंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि भाई 1,00,000 करोड़ के ऊपर हमने पैसा दिया जी, आखिर वो पैसा इसीलिए है धान खरीदने के लिए। आपने जो बोनस की योजना में दिया जी, तो आप 11,000 करोड़ दिए हो जी, तो 11,000 करोड़ दे करके जब इतना बोल रहे हो तो 1,00,000 करोड़ वाले की आप बात ही नहीं करोगे जी। तो मुद्दा यहाँ पर है जी, कि आप ये मत बोलो कि सारा का सारा हम खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं जी। आप ये बोलो कि ये 11,000 करोड़ हम दे रहे हैं और 1,00,000 करोड़ जो है केंद्र सरकार ने दिया। कुल मिलाकर आप हमें श्रेय क्यों नहीं देते भाई? ये सवाल है प्रेम प्रकाश जी का, प्रधानमंत्री के बयान के आधार पर। शिशुपाल जी आप लोग इतने नाशुक्र गुजार क्यों है भाई? क्यों नहीं मानते कि हाँ भाई 1,00,000 करोड़ आपने दिया, 11,000 करोड़ हमने किया? ये शिकायत है प्रेम प्रकाश जी की, शिकायत जायज या नाजायज? हम बिल्कुल मुख्य प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते अगर वो MSP जो है पूरे देश के लिए ये लागू करते, और ये आज जो हम 2640 रुपया इस बार दिए हैं, और अगले अभी जो फसल खड़ी है वो अगर आती है तो लगभग 2800 हम उसकी कीमत देंगे। और इन्होंने क्या दिया जी? 2143 रुपया जी। तो ये जो गैप है जी, ये तो पूरे देश इसके लिए इनपुट तो वही है, फर्टिलाइजर हो चाहे लेबर कास्ट दूसरे स्टेट में हमसे ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये इनको इतना जब आश्वासन दे रहे हैं किसानों को जी, पीएम जी, तो पीएम महोदय, तो क्या ये केवल हमारे किसानों को दे रहे हैं कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं? तो ये तो केवल क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है इसलिए हमारे यहाँ क्या ये कह रहे हैं जी। तो ये तो सीधी एक राजनीतिक चाल है, और यहाँ के बोली वाली जनता को ये अपने चाल में फंसाना चाहते हैं। ये अगर मैं कहता हूँ कि ये ना खरीदें तो हम क्या करें? हमारे पास दो विकल्प और हैं कि या तो हम इसको एक्सपोर्ट करें या तो हम एथेनॉल बनाएं। तो दोनों मामले को उन्होंने रोक लगा दिया है, न एथेनॉल बनाने की अनुमति दे रहे हैं, हमारे बहुत सारे कंपनीज आगे आए हैं, और ना अभी जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था विदेशों में उसको भी उन्होंने मना कर दिया है। तो ये यहाँ की किसानों को एक तरह से पनिश करने पे लगे हुए, दंडित करने पे लगे हुए कि आपने कांग्रेस को पार्टी दिया इसलिए आपके धान खरीदी पे तरह तरह के अड़ंगे हम लगाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से अगर कहें 1,00,000 बनाम 11,000 करोड़, इस फॉर्मूले पे जाने की राह में दिख रही है भाजपा, शिशुपाल जी इसका जवाब कैसे देंगे? वही मैं कह रहा हूँ, हम तो खरीदेंगे जी। सवाल 11,000 का नहीं है, 11,000 करोड़ का,
हमारे को जो जो करना पड़े हर साल हम करते हैं। पिछले एक बार तो और स्थिति आई थी कि हमने 2500 में खरीदे थे धान और उसको 1200-1300 में हमको बेचना पड़ा था नीलामी में, जब ये केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था की वजह से। तो ये हमको परेशान करने का कोई भी मौका, हमको परेशान करने का कोई मौका छोड़ते नहीं। आखिरी बातचीत के लिए प्रेम प्रकाश जी आ रहा हूँ, एक बार बताओ, जब आप इतने खुले दिल के साथ 1,00,000 करोड़ खर्च कर रहे हो प्रेम प्रकाश जी, तो 11,000 करने के लिए और तैयार हो जाओ, मामला सेटल हो जाए। वो 11,000 के लिए रुकते रुकाते क्यों हैं? छत्तीसगढ़ की सियासत की दृष्टि से धान खरीदी विषय है, इसे छत्तीसगढ़ की सियासत को जानने वाला हर व्यक्ति मानता है। क्या आपको नहीं लगता है, जब 1,00,000 करोड़ खर्च करने का दिल दिखाया, 11,000 करोड़ के लिए भी दिल दिखाने की जरूरत है? देखिए क्या है जी, एक तो इन्होंने गलत बोला कि MSP छत्तीसगढ़ के किसानों को दे रहे हैं, क्या पूरे देश को देंगे? MSP भी पूरे देश को दिया जा रहा है, जहां तक सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट है। सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट को पहली बार केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है, और उसमें जो इनपुट लगने वाले हैं, लेबर चार्ज और आपके फर्टिलाइजर, वो सारे इनपुट को जोड़ करके 1.5 गुना का बात किया गया है। एक लाइन जो और आगे जो बढ़ा गया था कि जो लैंड का कास्ट और उसके जो है वो जोड़ने को, उसको छोड़ करके तो हमारी शुरुआत तो हो गई है। आप तो सुब्रमण्यम कमेटी का फाइल तक नहीं खोली थी कांग्रेस जी। और दूसरा, MSP हमारी हर साल कितनी तेजी से बढ़ रही है जी। कि पिछले 4-4.5 सालों में लगभग 400 रुपया बढ़ गया धान का जी। तो मेरा ये कहना है MSP, फिर आपके DAP हो, यूरिया हो, इसकी जो सब्सिडी है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो फर्टिलाइजर के दाम बहुत बढ़े जी। विश्व के बहुत से जगह में 3,000 रुपया बोरी मिलता है, जो वो हम लोग 300 में देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों के लिए पूरा कर रही है। दूसरी बात, आपने कहा तो बोनस देने का काम हम लोगों ने ही शुरू किया था जी। केंद्र जो है MSP बनाएगी वो सबके लिए है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी योजनाएं बना सकती है। और हम ही लोगों ने कहा था और 300 रुपया दिया। इस सरकार ने 2 साल का बोनस जो गंगा जल लेके वादा किया था 300 रुपया देने का, वो इस समय 2 साल का बोनस नहीं दिए हैं, पूरा समय निकल गया जी। तो कुल मिलाकर प्रेम प्रकाश जी का कहना है कि भविष्य के संदर्भ में भी हमसे बात मत करो, अतीत में हम ये कर चुके हैं। कुल मिलाकर धान खरीदी के संदर्भ में दोनों ही दल अपने अपने योगदान को जनता के बीच ले जाने की कोशिश में। क्या प्रधानमंत्री के द्वारा आज किया गया प्रयास छत्तीसगढ़ की जनता पर असर डालेगा, और क्या ये असर कांग्रेस के लिए चुनौती बन पाएगा, ये भविष्य ही बताएगा। पर इतना तय है कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ के चुनावी सियासत में धान मुद्दा रहने वाला है, ये प्रधानमंत्री के भाषण ने बता दिया। आप दोनों मेहमानों को धन्यवाद हमारे साथ इस चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय आपसे इजाजत लेने का तो इजाजत लूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में चुनावी चर्चा बाकी है। एक बड़ी शख्सियत, मध्य प्रदेश की सियासत से ताल्लुक रखने वाली के साथ हमारी चर्चा है आज, देखना ना भूलिए। बस हम गए हो रहे हैं।